जुदाइयां घर पे दिया
सल्लम ने बताया है, और इस्लाम का निजाम अमन इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है कि ऐसे ऐसे दुश्मनों को मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को इस्लाम की दावत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। था और क्या मेन मकसद था इस प्रोग्राम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत मुंतहा एजुकेशन फाउंडेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर रजिस्टर हमने मार्च में कराई थी, और सिंगरा की जितनी भी यूथ थी उसने एक मिलकर एक प्लान किया कि इलाका की तरक्की और खुशहाली के लिए एक NGO बनाई जाए जो नेशनल लेवल की रजिस्ट्रेशन हो, कि हमने करवाई। और उसके बाद हमने ये पहला प्रोग्राम जो कल्चरल प्रोग्राम, इसमें हमने मुख्तलिफ आइटम्स रखी, एक मजरी और पहाड़ी सिंग रखी, और तकरीरी नसाब का इसमें रखा, मुख्तलिफ नमानात दिए गए थे, और माशरे की तरक्की और खुशहाली और माशरे में फैली हुई जो बीमारियाँ हैं, बदहाली है, मनशियात है, ड्रग्स है, और स्पेशली जो बेअदबी है, वालिदैन और कराबत मंदों की इज्जत, वुमेंस की इहतराम के लिए, और अपनी सोशल क्वालिटी और क्वान्टिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल को डेवलप करने के लिए हमें प्रोग्राम यहाँ मुनक़द किया गया था। आपके प्रोग्राम में कौन से चीफ गेस्ट तशरीफ लाए थे? हमारे DYST ऑपरेशन साहब, ऑपरेशन जनाब नवाज अहमद चौहान साहब लाए थे, उनके साथ साथ हमारी नूर जहाँ मौसमा ये साहिबा तशरीफ लाई थी, और वुमेंस हेल्थ की इंचार्ज मैडम फरहा तशरीफ लाई थी, इनके साथ साथ हमारे चौधरी जफर साहब तशरीफ लाए थे, चौधरी जावेद साहब, हमारी सियासी और समाजी मुख्तलिफ शख्सियात ने यहाँ इस प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की और बच्चों की हौसला अफजाई कराई, और बच्चों ने हमारे गाँव से और मज़ाफाती इलाकों से जितने भी स्कूल इंस्टीट्यूशनस थे, हायर सेकेंडरी स्कूल थे, वहाँ के बच्चे बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेशन किया पहाड़ी और गोजरी कंपटीशन में, और तकरीरी मुसाबके में उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन से नवाजा गया। जितने भी हमारे यहाँ के मौजूद जजेस थे उन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया, और जितने भी चीफ गेस्ट थे और मेहमान खसूसी और मेहमान आज़ादी, उनके हाथों से बच्चों को नवाजा गया। आज मेरे ब्लाक मसाना केशिंदरा लवत पंचायत में ये प्रोग्राम हुआ। मैं साहिल बुहारी जी को मुबारकबाद देती हूँ। ये कल्चरल प्रोग्राम इतना प्रोग्राम अच्छा करवाया उन्होंने, इसमें पहाड़ी सॉन्ग्स थे, गोजरी सॉन्ग्स थे, और तालीम की तरफ से बच्चों ने स्पीच की कि तालीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तालीम हमें जो है अंधेरे से रोशनी की तरफ लाती है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम के बारे में, पहले ज़माने में बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, वो तालीम नहीं देते थे, उसके बारे में भी बच्चों ने स्पीच की। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है यहाँ पर। हमारे DST साहब यहाँ पे आई हुई थी, और हमारी फरा मैम जो वुमेन सेल में वो भी यहाँ पे आई हुई थी। बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया उन्होंने। मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए हमारी पंचायत में, इससे हमारे जो नौजवान हैं उनको अवेयरनेस होगी, और जो ड्रग्स और नशे से जो जिसमें मुबतला हैं जो लोग, उससे बाहर निकलेंगे, और बच्चों में और ज़्यादा जो है टैलेंट पैदा होगा। ऐसे प्रोग्राम भी अच्छे करवाने चाहिए, मेरी तो यही कोशिश है। मैंने अपने ब्लॉक किसानों के सभी वाम को यही कह पैगाम देना चाहती हूँ कि सभी पंचायतों में ये प्रोग्राम करवाएँ। थैंक यू। थैंक यू मैम।